हेलो एवरीवन, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया था और हमने बात की थी हमें इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ना था। बट क्या है कि स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि जो बच्चे वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में नहीं लिख पा रहे हैं तो उनको बैलेंस करने में भी डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, तो उस डिफ़िकल्टीज को हम लोग यहाँ दूर करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। ओके, एक्चुअली इसमें क्या है कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको आयंस याद नहीं है। ओके, उनको आयंस याद नहीं है। जो आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम प्लस आयन, CF2 प्लस आयन, सल्फेट आयन कौन से होते हैं, सल्फाइड आयन कौन से होते हैं, फॉस्फाइड आयन कौन से होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस टाइप के जो आयंस होते हैं, ये आयंस स्टूडेंट्स को लर्न नहीं है जो नाइन्थ क्लास में सिखाया जाता है। तो चलो हम इस आयंस को पहले सीख लेते हैं और इसके बाद हम लोग अब इसको बैलेंस हम कर पाएंगे और इसको हम केमिकल इक्वेशन में लिख भी पाएंगे। ओके, तो दो टाइप के हमारे पास आयंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर। फर्स्ट इज पॉजिटिव आयन एंड सेकेंड इज नेगेटिव आयन। एक्चुअली स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयंस को हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायन। ओके, एंड नेगेटिव आयंस को हम लोग कहते हैं एनायंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पॉजिटिव आयंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस आयन, पहले लिथियम प्लस आयन, लीना का रब से फरियाद, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे प्लस आयन होते हैं, सोडियम लिथियम इतने काम आएगा आपके ना, लीना का रब से फरियाद। इसमें आगे भी आता है बट हम उसको लर्न करने की नीड नहीं है, हम इतना ही लर्न कर लेते हैं। ये प्लस आयन वाले इसमें हमेशा सिंगल प्लस आयन होते हैं। ओके, सेकेंड बार पास आता है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, बेरिलियम्स होता है, टू प्लस, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, वो आगे आता है, इसमें लास्ट में आता है बेरियम, टू प्लस आयन। ओके, ये बेरिलियम और ये बेरियम, ये टू प्लस आयन वाले सारे होते हैं। उसके बाद हमारे पास में कुछ और आते हैं जिसको पर प्लस थ्री आयन्स होते हैं। प्लस थ्री वाले कौन कौन से होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, ओके, प्लस थ्री, Fe3 पॉजिटिव भी होता है और Fe2 प्लस में भी आता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक, इसको फेरिक नाम दिया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, हाँ फेरस। ओके, ये हमारे पास होता है फेरस और ये हमारे पास होता है फेरिक। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। जिंक 2 प्लस होता है, इसको हम लोग जिंक बोलते हैं, जो इसका नेम है सिंबलिक उसको उसी नेम से हम लोग इसको कॉल्ड करते हैं, पुकारते हैं। Ag होता है प्लस आयन, इसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। ओके, सिल्वर हो गया हमारे पास इधर, और इसमें हमारे पास रह गया मैगनीज, ये 2 प्लस, 2 प्लस भी आता है, 3 प्लस भी आता है, बट हम यहाँ 2 प्लस लेके चल रहे हैं। ओके, वो आपको पास हाई लेवल पे आएगा 11th क्लास में। और इसमें क्या रह गया हमारे पास, कॉप कैल्शियम आ चुका है, कॉपर भी हमारे पास 2 प्लस होता है, फेरस तो ये हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो और एक इसमें हमारे पास आता है NH4 प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये कुछ प्लस आयन्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ये सारे प्लस हैं। इन सब का जो ना कुछ को छोड़कर, जैसे कि हमारे पास ये फेरिक हो गया, ये फेरस हो गया, ये एल्युमिनियम है हमारे पास, ये एल्युमिनियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम है ना, ये कुछ हमारे पास कॉमन प्लस आयन है जो आपके 10th लेवल पे यूज़ होने वाले हैं। ओके, इसके अलावा एक हमारे पास आता है लैड, PB, ये 2 प्लस होता है ना एक्चुअली, इसको हम लैड बोलते हैं,
इसको लेड बोलते हैं ना एक्चुअली। तो ये टू प्लस आयन है जो आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो इस प्लस आयन्स, पॉजिटिव आयन्स जो हमारे पास हैं, ये हमें लर्न होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव आयन्स, जिसे हम और क्या भी कहते हैं, इसको हम लोग एनायन भी कहते हैं। ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, नेगेटिव आयन्स जितने भी 17th ग्रुप के हैं उसे बोलते हैं हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। नेगेटिव 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 नेगेटिव, देखो इसका जो नाम है वो है फ्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड बोलेंगे हम इसे। ब्रोमाइड, और इसे हम लोग बोलते हैं आयोडाइड। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ नेगेटिव आयन्स वाले हमारे पास और होते हैं, जैसे CO3 टू नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट, इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। ये हमारे पास हो गया सल्फेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये चार्ज जो है इसके ऊपर नेगेटिव टू है यहाँ पर पास, यहाँ प्लस, सॉरी नेगेटिव टू है हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव वन है, मतलब माइनस वन है। ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। आप इस चार्ज के बिहाफ पर ही आप किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म कर पाएंगे, उसके फॉर्मूले को बना पाएंगे। ओके, सल्फेट हो गया। अगर SO3 है, टू नेगेटिव ही रहता है, इसे बोलते हैं सल्फाइट। अगर S पे टू नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। NO2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट बोलते हैं एक्चुअली, हम नाइट्रेट बोलते हैं। NO3 पे नेगेटिव है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। ओके, नाइट्राइट कुछ कॉमन, और क्या रह गया इसमें, क्लोराइड हो गया हमारे पास, सल्फेट हो गया। PO4 टू नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट। PO3 टू नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ कॉमन है। ओके, और आप इसमें कुछ और देख सकते हैं, टू नेगेटिव ये ऑक्साइड होता है, टू तीन नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर तीन माइनस है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड इसको बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ कॉमन्स नेगेटिव आयन्स हैं जो यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अब इन नेगेटिव आयन्स और पॉजिटिव आयन्स की हेल्प से 10th लेवल पे आप लोग केमिकल फॉर्मूले को बना सकते हैं, और आपके NCERT में जितने भी केमिकल फॉर्मूलेज हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप उनको इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ओके, इसमें एक और रह गया नेगेटिव आयन्स, HCO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट बोलते भी हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका एक नाम और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बाइकार्बोनेट, इसको भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी नेगेटिव आयन्स का यूज करके आप लोग 10th लेवल के बेस पे, 10th लेवल के बिहाफ पे आप जितने भी केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं आपके रासायनिक, जो आपके जो रिएक्शंस हैं, आप उनको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उसको बैलेंस कर पाएंगे ना। तो ये वर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है, हम उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। आप इन सबको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इन्हें कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ओके, आओ बात करते हैं इसके बारे में। तो इसको मिटा लेते हैं, पहले रफ कर देता हूँ मैं इसे, चलो बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड, अब हम जिंक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें। मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे नहीं आता कि जिंक ऑक्साइड में फॉर्मूला कैसे लिखूँ, बट क्योंकि अभी मैंने आपको लिखवाया था पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स, तो आप इसका यूज़ करके फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप देखें तो जिंक हमारे पास ZN था, उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ऑक्साइड मैंने आपको लिखवाया था ऑक्सीजन, उस पर 2 नेगेटिव था। 9th क्लास का रूल याद कर लीजिए, आपको सिखाया गया था वहाँ पे फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है, केमिकल कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उनका हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके,
टू इंटू जिंक में लेते हैं तो जिंक आपका टू यहाँ आता है, ओके। ऑक्सीजन के साथ इंटू हो जाएगा टू का, ये बनेगा। जिस तरह से हम मैथ में कैंसिल आउट करते हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं इस टाइप से। वन वन हो गया तो हमारे पास क्या बना, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे, हम इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, ओके। तो हाइड्रोजन सल्फेट एच प्लस आयन होता है स्टूडेंट्स, प्लस आयन वाले उसमें लाइन में हमारे पास एक रह गया था एच का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक्चुअली प्लस वन भी होता है और माइनस वन भी होता है। तो बट आपको ना मैक्सिमम टाइम पे हाइड्रोजन प्लस वन ही यूज करना है, ओके। हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट याद करो एसओ फोर था और माइनस टू था, क्रिस क्रॉस रूल कहते हैं इसको, क्रॉस सब करते हैं इसको, तो हम लोग क्रॉस करते हैं तो एच पे टू से इंटू हो जाएगा और एसओ फोर ऐसे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कौन आएगा स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, एरो के बाद में इक्वल टू हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट। यस वेरी गुड, आप जिंक सल्फेट का भी बना सकते हैं फॉर्मूला। तो देखो जिंक सल्फेट मैं इधर बना के आपको दिखा रहा हूँ, जिंक में क्या होता है बताओ, टू प्लस अभी लिखा था हमने यहाँ, सल्फेट एसओ फोर टू नेगेटिव यहाँ लिखा था हमने, फिर से क्रॉस करना है आपको, क्रॉस करके आपको फॉर्मूला फॉर्म करना है। देखो टू इंटू जिंक तो क्या बना, जिंक टू से इंटू हो गया। अब देखो क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एसओ फोर में फोर पहले से ही है तो आपको यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना होगा, ओके। फिर से हम टू एन जे टू टू एन टू कैंसिल आउट कर सकते हैं तो बनेगा जिंक सल्फेट, ये होगा आपका फॉर्मूला जिंक सल्फेट। वाटर का सब लोग जानते हैं एच टू ओ होता है, ओके। ये मेरे पास क्या बन गया, केमिकल वर्ड इक्वेशन से हमने केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर लिया है और अब ये आपको बैलेंस करने के लिए बहुत इजी और बहुत इजी हो जाएगा, ओके। चलो करते हैं इसको बैलेंस, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करें तो कर सकते हैं आप इसे, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको अगर टाइम लग रहा है तो हमने जो आपको ट्रिक सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में आप यहाँ उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ, कैसे करेंगे देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है स्टूडेंट्स, चार, यहाँ भी चार और पाँच है, यहाँ भी पाँच है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ओके। तो ये तो हुआ आपके पास ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, कह सकते हैं फोर फाइव, फोर फाइव टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन जिंक एंड जिंक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी है और ये आप लोगों ने देखा कि हम कैसे एक वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं, सभी आयंस का यूज करके हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, तो ये हमें मिल गया है, अब हमें इसको वर्ड इक्वेशन में चेंज करना है। अब करते हैं चेंज, पहले वर्ड इक्वेशन में तो हमारे पास ऑलरेडी है, केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड वही हमारा फंडा, एल्युमिनियम आपको मैंने लिखाया था प्लस थ्री होता है, ऑक्साइड हमारे पास माइनस टू होता है, क्रिस क्रॉस रूल करिए इस्तेमाल, टू इंटू एल्युमिनियम करेंगे, यहाँ लगाएंगे छोटा सा टू, थ्री इंटू तो यहाँ थ्री आ गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड का स्टूडेंट्स ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और बनाते हैं इसका भी, हाइड्रोजन के लिए मैंने अभी पता आपको एच प्लस आयन लेते हैं और क्लोराइड के लिए हम सी एल माइनस लेते हैं, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो एच सी एल बनेगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे एच सी एल, ओके। हो गए फ्रेंड्स, देखो केमिकल फॉर्मूला बन चुका है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं इसका फॉर्मूला भी, एल्युमिनियम तो ए एल पे थ्री होता है, एल्युमिनियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस वन होता है एक्चुअली, तो आप इसको इंटू करें क्रिस क्रॉस, एल्युमिनियम वन जा एल्युमिनियम एंड सी एल थ्री आ जाएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। वाटर आप सभी लोग जानते हैं एच टू ओ होता है, अगर किसी को कन्फ्यूजन था हम इसको बना भी सकते हैं, वाटर के लिए हम क्या लेते हैं एच प्लस आयन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस टू हो जाएगा, क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो एच टू हो जाएगा हमारे पास, उधर ओ हो जाएगा वाटर, ओके। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं और अब हम इसे बैलेंस भी इजीली कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पास ओके एल्युमिनियम ऑक्साइड में इधर हमारे पास ओ कितना है थ्री है, इधर ओ हमारे पास एक है, यहाँ मैं थ्री लगा दे रहा हूँ, ओके। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस होने की वजह से
हाइड्रोजन एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे पास जो इधर हो गया है वो हो गया है सिक्स, इधर हो गया हमारे पास टू, यहाँ पर पास थ्री, हम यहाँ हम सिक्स लगा देते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारे पास देखो सिक्स टू है, इधर हाइड्रोजन सिक्स हो गया, यहाँ टू लगा दो, ये हमारा रिएक्शन कम्प्लीटली क्या हो गया स्टूडेंट्स, बैलेंस। सिक्स क्लोरीन हो गया, इधर भी क्लोरीन, छः हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन, दो एल्यूमिनियम, ओके रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी केमिकल वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके बैलेंस करते हैं, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, आपको बिल्कुल डाउट दूर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास एक और केमिकल वर्ड इक्वेशन है, और उस केमिकल वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में चेंज करके बैलेंस करेंगे, ओके। और इस केमिकल वर्ड इक्वेशन को मैं केमिकल इक्वेशन में चेंज करके अपने उस ट्रिक से बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा, ओके। देखो सोडियम परऑक्साइड, तो एक्चुअली परऑक्साइड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है सोडियम परऑक्साइड का Na2+O2, ओके। एक्चुअली इस टाइप से जो होता है O2 पे नेगेटिव आयन, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, परऑक्साइड। ये आप लिख लीजिएगा अपने चार्ज आयन में, सोडियम परऑक्साइड पास ये हो गया प्लस वाटर, क्या बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हाइड्रोक्साइड का मैंने इधर आयन देखो लिखा हुआ है OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, आप इसे भी लिख लीजिएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, Na+1 OH-1 क्रिस क्रॉस करिएगा तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत फेमस बेस होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, हमेशा 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 O2 के फॉर्म में रहता है, ओके। अब इसे हमें बैलेंस करना है, आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, बट मैं इसे अपने ट्रिक से बैलेंस करने जा रहा हूँ, ओके। देखो कैसे करेंगे इसको बैलेंस, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, एंड डी ले लेते हैं, ओके। तो हमारे पास में सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इस तीन एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व एक्चुअली नहीं है, ओके। नाउ सोडियम देखिए कितना बताओ, दो, तो टू इंटू ए करो, टू ए हो गया, इधर सोडियम और नहीं है, इस इक्वल की तरफ है, इज इक्वल टू सी कर लेंगे, कर लिया, ओके। बात करते हैं ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो इंटू ए करोगे तो टू ए हो जाएगा, इक्वल टू इधर ओ कितना है एक, तो बी इंटू वन तो बी हो जाएगा, सॉरी ये प्लस आएगा इधर हमारे पास, इधर बी हो गया प्लस नहीं इधर ही है इसलिए प्लस आ गया, इज इक्वल टू इस तरफ जाओ, एक ओ इधर एक ओ इधर है, तो सी प्लस टू ओ इसलिए डी से इंटू करेंगे तो टू डी हो जाएगा, ओके। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है दो, तो टू बी कर लेंगे, इधर और कोई हाइड्रोजन नहीं है, इक्वल में आ जाओ सी, ए हाइड्रोजन रहा है इक्वल टू सी, ए बी सी एंड डी चारों अल्फ़ाबेट में से आप देखें तीनों इक्वेशन में कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है बार बार, ए इसमें है, इसमें है, दो में है, सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ सी जो है तीनों इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो सी या फिर आप बी भी ले सकते हैं क्योंकि बी इसमें भी है और इसमें भी दोनों में है, मैं सी चाहूँगा लेना, वन पुट कर रहा है सी की जगह पे, सी इक्वल टू वन पुट कर दिया हम लोगों ने तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1/2 यहाँ पुट करने पे, अगर मैं सी इक्वल टू वन पुट करूँगा तो बी इक्वल टू 1/2 मिलेगा मुझे, वेरी गुड, ठीक है मुझे बी मिल चुका है, मुझे सी मिल चुका है, मुझे ए भी मिल चुका है, मैं डी निकाल सकता हूँ, वेरी गुड, टू इंटू ए इक्वल टू 1/2 है देखो इधर, प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी वैल्यू कितनी 1/C, आप लोगों ने 1 लिया हुआ है तो 1 प्लस एक्चुअली बी हमारे पास 1/2 है, 1/2 प्लस 1 2 इंटू डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 एंड 1 3/2 इक्वल टू 1 प्लस 2D, देखो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स 2D इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/2, तो D इक्वल टू मिलेगा आपको 1/4, वेरी गुड।
देखो ए हमारे पास 1/2, सी हमारे पास 1, बी हमारे पास 1/2, डी ए बी सी डी चारों अल्फ़ाबेट्स का इक्वेशन का जो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, इसको यहाँ पुट करने चाहते हैं हम लोग। ए इक्वल कितना बताओ 1/2, तो 1/2 Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड प्लस बी, बी क्या स्टूडेंट्स 1/2 H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी की वैल्यू 1 हमने लिया हुआ था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया स्टूडेंट्स, प्लस डी, डी मतलब कितना 1/4 O2। ओके मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स जब आपका स्टोक्योमेट्री, इसको हम स्टोक्योमेट्री कहते हैं जो कोफिशिएंट होता है फॉर्मूले में, ओके स्टोक्योमेट्री का जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, इस फ्रैक्शनल वैल्यू में जो भी नंबर हमारे पास लार्जर होता है या 4 है हम उसी से होल इक्वेशन को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके देखो इनटू 4, 4 से करेंगे 2 टाइम तो 2 टाइम्स आ जाएगा तो 2Na हो जाएगा 2O2 प्लस 4 के इनटू इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर से 2H2O इट विल गिव्स 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर इसकी इनटू 4 होगी तो 4 कैंसिल आउट O2 बचेगा ऑक्सीजन। ओके अब हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुका है या नहीं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हैं अगर उतने ही राइट हैंड साइड भी हुए तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्चुअली बैलेंस। और काउंट करते हैं इधर हमारे पास 4 सोडियम है, यहाँ भी 4 सोडियम, सोडियम एटम बैलेंस है। ओके ऑक्सीजन इधर हमारे पास देखो 2, 2 जा 4 एंड 2 6 ऑक्सीजन एटम हमारे पास इधर है 4 and 2 6, यहाँ काउंट करते हैं 4 and 2 6 ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल है। ओके नाउ हाइड्रोजन काउंट करते हैं 2, 2 जा 4 एंड इधर भी 4 हाइड्रोजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। ओके तो ये हम लोगों ने क्या किया, कुछ केमिकल्स वर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में चेंज करके हम लोगों ने इसे फिर से आज बैलेंस करना सीखा है। अब अकॉर्डिंग टू मी किसी भी 10th लेवल के स्टूडेंट्स को केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करने में कोई भी समस्या उत्पन्न एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए। ओके अब हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे आप लोग केमिकल के जो टाइप्स होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इवनली, है ना, इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय इनके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे आगे। ओके तब तक के लिए टिल बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके थैंक यू।